अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू जी। सबसे पहले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बना रहे हैं जनाब मसूर की दाल, और ये हमने उबाल लिया एक बार। उसके बाद ये टमाटर, हरी मिर्च, ये लहसुन है, और अदरक, साबुत धनिया, और ये प्याज हमने रखा फ्राई करने के लिए। चोई साहब आज के बना रहे हो आवाम वास्ते? आज बना रहे हैं जी दाल। अच्छा, मज़े करो। हाँ, नाले सारे चैनल की सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। तो के आवाम की सुना रहे हो आज? आवाम की सुना रहे हैं जी जिक्र अल्लादा हो बंदिया ना भुल जाया, ओ तो सदा नी दुनिया ते रहना, हर मंजर कमिया सी तेरे, ओ ते बस अल्लाह अल्लाह ओ कहना। सही हो गया जी। अच्छा, ये बिल्कुल आसान रेसिपी है जी दाल की। प्याज फ्राई होने के बाद हम इसमें मसाला ये बनाएंगे, टमाटर और हरी मिर्च, और ये डालेंगे। बाद में जब मसाला अच्छी तरह बन जाएगा तो फिर हम इसमें इंशाल्लाह दाल डाल के आग को बिल्कुल कम करके इसको रख देंगे 10-15 मिनट के लिए दम के लिए, और ये हमारी दाल इंशाल्लाह रेडी होगी तो हम आपको बताएँगे। फाइनली जी प्याज हो गया तैयार। अभी इंशाल्लाह हम इसमें डालेंगे ये जो लहसुन है, कुटा हुआ लहसुन चाहिए, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दो तीन मिनट बनाएंगे अच्छी तरह। जो लहसुन की और अदरक की स्मेल है वो इसमें ऑयल में अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी। उसके बाद हम टमाटर डालेंगे। ये हमारा प्याज अच्छी तरह फ्राई हो गया, इसमें हमने अदरक लहसुन ये डाला है। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च, और इसके बाद इसको अच्छी तरह फ्राई करके मसाला बना के 5 मिनट में ये भी तैयार हो जाएगा। लड़ी जैसा हमारा मसाला हो गया रेडी माशाल्लाह। हम इसमें इंशाल्लाह डालेंगे दाल, और इसको रखेंगे जनाब ऐसे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी, ये हो गया ज़बरदस्त। देखो इसमें हो गया फुल, हम लोगों ने बनानी थी इसमें। ये हमने ज़ाया नहीं करनी जी, ज़ाया नहीं करनी, लेकिन उसमें जगह भी नहीं है। ये भी रख देंगे 10 मिनट के लिए। ज़बरदस्त, सही हो गया। 10 मिनट तक ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी जी। भाई जी तैयार होई, कोई नहीं साहब, बिल्कुल हमारी दाल रेडी हो गई माशाल्लाह। अभी देखो ये है साबुत धनिया, जीरा और कसूरी मेथी माशाल्लाह जी, ये इंशाल्लाह जबरदस्त हम डालेंगे। ये देखो क्या बात है जी, इसकी खुशबू का तो अपना ही मजा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
अभी इंशाल्लाह इसको मिक्स करेंगे। यह कुटी हुई काली मिर्च, ठीक है, ये थोड़ी सी डाल देंगे और माशाल्लाह जी इसको आस्ता कर देंगे। अभी ठीक हो गया, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह इसकी खुशबू तो बहुत प्यारी है और ये बिल्कुल दाल रेडी है जी। आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। हाँ, चावल को उबाल के ना, चावल उसके ऊपर डाल के बहुत मज़ा आएगा। दाल बनाएं, इसमें जनाब टमाटर, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और एक चम्मच नमक, एक चम्मच आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच कुटी हुई दलफल मिर्च, उसके बाद गरम मसाला और दाल मसूर बिल्कुल रेडी है जी। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त जी। आप बनाएं, खाएं और हमारे फूड चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोगों दोस्तों का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, और तामन करें हमारे साथ।